दोस्तों, बारिश का मौसम आ चुका है और अब आपका जो एलम भी होता है वो ख़राब होने का चांस होता है, और बारिश के मौसम में जो आपका डिश एंटीना होता है वो बंद हो जाता है, नो सिग्नल आ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना कि बारिश के मौसम में आपके सिग्नल ना जाए और आपके एलम की आप कैसे सेफ्टी करें। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। अगर दोस्तों आपका एलम का मुँह टूटा हुआ हो, एलम टूटा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जब जाके दोस्तों आपका एलम भी बच सकता है, नहीं तो आपके दोस्तों टीवी जो सेटअप बॉक्स है उसमें नो सिग्नल्स आएंगे। तो दोस्तों चलिए छत पे मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ कि आपके एलम को बचाने का क्या तरीका होगा। तो यहाँ दोस्तों ये एलम आप देख रहे हो छत पे आ चुके हैं। कई तरह के डिश एंटीने मेरे पास लगे हुए हैं, टाटा स्काई, वीडियो कॉन, डिश टीवी, एयरटेल का, सभी लगे हुए हैं। तो जो एलम आप देख रहे हो, ये जो एलम है सही एलम है, पैक है, इस एलम में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जो डिश एंटीने के एलम है ये भी सही है, और जो तीसरा डिश एंटीना उस पर लेके चलता हूँ, और यहाँ जो एलम है वो देखिए फटी हुई एलम है। कल ही दोस्तों बारिश आई थी, मेरा सिग्नल बंद हो चुका था, तो रात को मैंने डिश को हिलाया लेकिन चला नहीं। मैंने इस पर सुबह देखा तो दोस्तों पानी भर चुका था। अगर आपकी भी एलम की इस तरह की कंडीशन है तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख कर पूरा जो मैं आपको तरीका बताऊं वैसे करो, आपके वो सिग्नल नहीं आएगा, एलम ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों ये मेरी एलम है, टूटी हुई एलम थी, ये मैंने यूज कर रखी थी कि इसमें काम चल जाए गर्मियों के दिनों में, लेकिन दोस्तों बारिश का मौसम है, ये एलम में पानी भर जाता है तो ख़राब हो जाती है। तो इस एलम पे आप या तो कोई बोतल काट के लगा दो, या कोई डिब्बे का ढक्कन लगा दो, या आप इसे पॉलीथीन की थैली से बांध दो, ताकि आपका बारिश का पानी इस एलम के ढक्कन के अंदर ना जाए। अगर इसके अंदर चला गया तो आपकी एलम ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपकी भी एलम टूटी हुई हो तो इस तरह से दोस्तों आप इस एलम की सेफ्टी कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों जैसे मेरे रात को नो सिग्नल आए वैसे आपके भी नो सिग्नल आ सकते हैं और आप टीवी बिना रह सकते हो। तो कभी भी आपका एलम टूटा हुआ हो, बारिश आ चुकी है, एलम की सेफ्टी कर लो, एलम को बचा लो, नहीं तो दोस्तों 200-250 रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा और इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, उसका अलग से खर्चा आपको देना होगा। तो ये सारी सेटिंग्स मैंने आपको बताई है कि आपके एलम टूट जाए तो इसे बोतल के ढक्कन से पैक कर दो, चाहे बोतल काट के लगा दो, चाहे आप पॉलीथीन से बांध दो, चाहे आप इस पर टेप लगा दो, लेकिन आगे के मुंह को पूरा सेफ्टी से पैक कर दो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले।